की खिड़की खो, मैं गिलास की बातें बोल, आजा चल ले रॉक एंड रोल टुगेदर, जकरिया कुसुम की लव स्टोरी, जकरिया कुसुम की लव स्टोरी। मैंने अपने हाथों से पकाया है यार। है मैंने जब हमें आगे आगे वाह हैप्पी वेलन मसाला मसाला जलवा गिरा रही हो आप तो अबे अल्लाह के नाम पे मारो सब लोग आ जाओ अल्लाह के नाम पे मारो इधर अबे आ क्यों नहीं रहे तू नहीं आ रहे अपना तो सुन लो भाई गटा जल्दी कर जो भी चल उठो उठो जल्दी कर मेरे कर्मों कर आप मेरे लिए फूल लाए कि नहीं लाए समथिंग रॉन्ग क्या आप यहाँ से ये आपके लिए ये आपके शुभ शोहर के लिए और ये उनकी सुपर डुपर मॉम शूम के लिए वो मैंने सोचा वैलेंटाइन्स डे है तो फूल तो होने चाहिए ना हाँ मगर फकीर ने तेरे को दिए फूल तो और क्या करती मैं पूछता हूँ तेरा ने फकीर का क्या रिश्ता क्या है जकरिया कुसुम की लव स्टोरी जकरिया कुसुम के जकरिया कुसुम की लव स्टोरी जकरिया कुसुम के जक मैंने अपने हाथों से पकाया अपने सरताज के लिए ए जको ये देख मैंने अपने किस्से से मंगवाया तेरे लिए एमा एक मिनट जकू पहले मेरा खाना खाएंगे क्योंकि मैंने बनाया है आपके ए जकू ही पहले ये खाएंगे ना माने बनाया ये कहाँ से खाएंगे अभी पहले इधर खाएंगे ये पकड़ो जकू आ करो जकू इधर ये खाने का मैंने इसको जन्म दिया ए जन्म दिए एक विकेट ली ना मैंने पांच बच्चों को जन्म दिया पांच पांच विकेट लिए जीता कौन जकू आप बताइए आप दोनों बाहर जाइए मैं दोनों चीजें खा लूंगा मेरे को टेंशन हो रही है जाओ बाहर जाओ आप पहले ये खा लीजिएगा नहीं नहीं पहले ये वाला ए पहले ये खाएंगे ए जक्कू आप अपना मुंह खोलो मैं पहले बता रही हूं उसको ये खा गए जक्कू भी बात सुन ले एंड एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे मैं मिस्र की शहजादी बनी हुई हूं इस वक्त वो ना तीर पे लगा के सेब खाते हैं मैं चूरी पे लगा के खा रही हूं दबंग 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 हड़ दबंग 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 हड़ दबंग 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 हड़ दबंग ए सुलेमान दो दो फूल उठा के ला रहे किसी चुड़ैल से साथी तो नहीं बना ली तूने नहीं जुबी नहीं ऐसी कोई बात नहीं देख मेरे दिल में क्या रखा है तेरा ही दर्द छुपा रखा है हाँ ये जो तेरे दिल में दर्द है ये मैं उसकी वजह नहीं है ये तेरी खराब सेहत है सुलेमान देख जुबी आज तेरी मर्जी हो तू वो बोल ले मैं तेरी कोई बात का बुरा नहीं मानूंगा हाँ काय को इसलिए जुबी आज बहुत खास दिन है ए मिंजा मोला आज कौन सा खास दिन है कि तू दो दो हार लेके फिरे ले उधर कमरे में भी हर लड़के को दिल में बैटरी दिखाता है क्यों ये अजूबी ये तो मेरे को एक एक फूल मिले ला था पर मेरी फ्रेंड्स इतनी सारी फैले ली है कि मैंने इकट्ठे करके पिरो पिरो के दो हार बना रखे हाँ फूल मिले लेकिन काय को ए जुबी आज वैलेंटाइन डे हाँ ये तो मेरे को याद ही नहीं रहा अरे तेरे को कैसे याद रहेगा ये तो मोहब्बत करने वालों का दिन होता है वैलेंटाइन तो फिर इधर क्या करने आया सुलेमान ए जुबी ओ तेरे लिए सिग्नल तोड़ ताड़ के मैं तो तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के दिंगड़ 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 दिंगड़ा दिंगड़ा देख जुबी मैं तेरे लिए फूलों के कितने मोटे मोटे हार बना के लायला हूँ तो मैं क्या करूँ इन गुलाबों का बात यह जुबी तेरे को तो कोई से भी मोहब्बत नहीं है पर मेरे को तेरे से मोहब्बत है चल चल हटा इधर से सुलेमान तेरे को किसने बोला कि मेरे को किसी से मोहब्बत नहीं क्या बोल रही है तू तेरे को कोई से मोहब्बत है तेरा उस खुश नसीब का नाम तो मेरे को बता तेरी माँ यानी मेरी सासू माँ क्या हाँ ने चक्कू मार दूंगी तेरे को मेरे को उससे इतनी मोहब्बत थी मैंने बद्दुआएं दे दे के उसको ऊपर पहुंचा दिया अभी चुड़ैल बनी है मसाला वाह जुबी वाह अरे तेरी मोहब्बत के क्या कहने हाँ थैंक यू सुलेमान थैंक यू
जैसे तेरे को मेरी माँ से मोहब्बत थी ना, ऐसी मोहब्बत मेरे को भी तेरे से है। अब बता, या पिलाने तेरा? ये पिलाने। ए तुझको आना होगा। जब तक मारूं तेरे को। आना होगा। मैं वैलेंटाइन मनाऊं या नहीं मनाऊं, पान कर सुमड़ी मोटरली को मनाने नहीं दूंगी। हाँ। माँ। मोला लगता सारा प्लान फाइनल कर लिया। ए जक्कू, मेरे प्यारे जक्कू, इधर तो आने। आ गया माँ, आ गया। तेरे को मालूम है आज क्या दिन है? माँ, मैंने ख्वाब में देखा कि आज मेरी सामत का दिन है। जरूर उस ख्वाब में कलसुमड़ी होएंगी ना। अम्मा कुलसुम तो थी, लेकिन ख्वाब में आप भी थी, तभी तो सामत आई मेरी। ए चरिया, तेरी सामत कलसुमड़ी की वजह से आई होंगी। सोच जरा, अगर कलसुमड़ी नहीं होती तेरी सामत भी नहीं आती। बरोबर बोला माँ आपने, मैंने तो कभी इस बात पे गौर ही नहीं किया। जक्कू मैं तेरी माँ हूँ, तेरा भला चाहती हूँ। मेरी प्यारी माँ मेरे को माफ कर दे, मैंने आपको हमेशा गलत सोचा। ए जक्कू, आज सारी गलतियों का उजाला कर दे। हाँ मगर कैसे माँ? वो ऐसे कि तू बाजार जा, मेरे लिए लाल रंग का जोड़ा नहीं लाल रंग का फूल लेकर आ। काहे को माँ? मेरा छोकरा आज वैलेंटाइन डे है ना, मैंने सोचा मैं भी मना लूँ। ए माँ आप तो बेवा हो, आपको तो फिल्म ड्रामों की तरह सफेद रंग के कपड़े पहन के घूमना चाहिए। क्यों, मैं तेरे से मोहब्बत नहीं करती, शमशान घाट में बैठ जाऊँ जाके। माँ अगर आप मेरे से मोहब्बत करती हो तो जरा इसका इजहार तो करो। जब भी तो लाल रंग का सूट मंगवा रहे ली हूँ। वाह माँ वाह, यानी अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए मेरे खीसे से रोकड़ा निकलेगा। अगर आपको अपनी मोहब्बत का इजहार मुझसे करना है तो अपने खीसे से रोकड़ा निकालो ना। ख्वाब में जो तेरी सामत आई थी ना, वो बिल्कुल ठीक आई थी। अगर माँ आपने तो कहा था जब कुलसुमड़ी नहीं होगी तो मेरी सामत नहीं आएगी। बरोबर बोला था, पर वो ख्वाब था, ये हकीकत। अब पता लगा पुराने जमाने में ताकत कितनी होती थी। देसी घी खाते थे इसीलिए पंच मारते हैं। अच्छा तो भाइयों और बहनों, क्या आप लोग जानते हैं प्रॉफिट का मतलब? जो रोकड़ा अपन की जेब में मुफ्त आता है वो प्रॉफिट कहलाता है। वेरी गुड। और लॉस क्या होता है? जो रोकड़ा अपन की जेब से जाए बल्कि वो जरूरी काम से ही गुना जाए वो लॉस होता है। वेरी गुड वेरी गुड गुड़िया। और प्रॉफिट में लॉस क्या होता है? ऐसा बोलो पप्पू, दादी ने सुन लिया ना तो कयामत आ जाएगी। ओहो मैं जानता हूँ, तभी तो फर्ज कर रहा हूँ कि 100 रुपए क्या हुआ। वेरी गुड। अब हम उससे ज्यादा फर्ज कर लेते हैं कि मम्मा ने हमें और 100 रुपए दे दिए, तो और कितना प्रॉफिट हुआ? 200 रुपए। वेरी गुड। अब ये बताओ कि हम इन दोनों ने हमें 100-100 रुपए दिए और हमने पापा ने भी हमें 100 रुपए दे दिए, तो टोटल कितना प्रॉफिट हुआ? 300 रुपए। पापा ने हमें देने थे 100 रुपए, उसमें से हमें 10 रुपए दे दिए, कुल मिलाकर कितने रुपए हुए? 210 रुपए। और आने थे 300, और कुल मिलाकर पूरे 90 रुपए का लॉस हो गया। ए मिंजा मौला, इसे कहते हैं प्रॉफिट में लॉस, क्या समझे? पापा हमसे भी 200 रुपए ले लेंगे अगल मन। हमें तो पहले ही लॉस हो गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पापा ने 10 रुपए दिए क्यों? इसलिए ईद का दिन था। गलत बात मत करो गुड्डी। जी नहीं, मेरे पापा ऐसे नहीं है। जानू आज क्या बात है, आज तो आप बड़े रोमांटिक मूड में लग रहे हो, खेल तो है? आज दिन ही ऐसा है। अच्छा मैं समझ गया, आपने जो 200 रुपए का प्राइस बोन रखा था वो खुल गया है कि नहीं? आज बोन खुलने का नहीं बल्कि दो दिलों के मिलने का डेज है। कौन सा डेज भाई? आज वैलेंटाइन डेज है। तो फिर क्या सोचा? सोचना क्या, जो भी सोचे वो मैंने इस पर्ची में लिख दी है। ये मिर्जा मौला बाजीराव मस्तानी की तरह एकदम तूने खत दे दिया मेरे को, कोई इसमें नजम मजम तो नहीं है? ए मिर्जा मौला, लाल लिपस्टिक, लाल ड्रेस, लाल चपली, फूल, लाल चूड़ियां, ये सारी चीजें लाल लाल पड़ पड़ के ना मेरा मुंह लाल हो रहा है। जक्कू आप तो कुदरती हसीन है ना, आपको तो कुछ करने की जरूरत नहीं होती। हाँ मेरे को देखें, मेरे को थोड़ा बहुत मेकअप तो इस्तेमाल करना ही होता है ना। अपन अपन इतना खर्चा काहे को करे वैलेंटाइन डे पे? सारी दुनिया करती है जक्कू। अच्छा एक बात मेरे को बता, ये जो सारी दुनिया है ये 5 फरवरी मनाती है, 23 मार्च मनाती है, 14 अगस्त मनाती है, 6 सितंबर मनाती है, कुछ भी नहीं मनाती।
जब वो फिरंगी हमारी एक भी खुशी में खुश नहीं है तो हम काय को वैलेंटाइन डे मनाएं? जकरिया साहब, आपकी ये बातें सुन के ना मेरा मुंह लाल हो रहा है। मसाला मसाला, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा मुंह गुस्से से लाल हो रहा है, मोहब्बत से नहीं। और अब आपका मुंह लाल होगा मेरे मुख से। कौन है ये? दुनिया वालों, पूरी दुनिया कितनी औरत मजलूम उसके ऊपर इतनी स्टोरी बनती है। ए, कभी मर्द को भी देखो, यहाँ पे बेचारा मर्द रोज पिटता है। हमारे ऊपर कोई स्टोरी नहीं बनाते तुम लोग। फिल्मों में तो सुपरमैन दिखा देते हैं, ड्रामों में मर्द को जालिम दिखा देते हैं। लो आ गई उनकी याद, जग्गो के पापा नहीं आए। जबी ने पुकारा, सल्लू चला आया रे, जान हथेली पे ले आया। जबी ने बजी जकरिया कुलसुम की लव स्टोरी, जकरिया कुलसुम के, जकरिया कुलसुम की लव स्टोरी, जकरिया कुलसुम के। हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे। क्या है बाजी? मुबारक हो। किस चीज के लिए? हैप्पी वैलेंटाइन डे। तो तू क्या कर रहा है? सेलिब्रेट करने आया हूँ। क्या खाली हाथ? हम फकीर लोग हैं, जाहिर है खाली हाथ आऊंगा, हमारा धंधा ही ऐसा है। अपन लोग भी ना तेरे को खाली हाथ ही भेजेंगे, क्या करे, अपना ढीठपन ही ऐसा है। बड़े शर्म की बात है, आज खुशी का मौका, मैं खाली हाथ में ही आया। चल निकाल निकाल अपुन की अमानत, अपुन को वापस कर। कसम से ये मुझसे बड़े फकीर है, लेकिन लोगों को पता नहीं। ये पकड़ो, बिल्कुल परफेक्ट। वाह वाह वाह, सज रहा है। ये आपके लिए, ये आपके शुभ शोहर के लिए, और ये उनकी सुपर डुपर मॉम शुम के लिए। थैंक्स। कटोरा दे दे, मेरा कटोरा। ए कल सुमड़ी, ये गेट पे कौन था? कोई भी नहीं। तू अपने आप से बातें कर रही थी, मैं खुद देखती हूँ कौन था। ए मिंजा मौला फकीर भाई, आज तो बड़े जेम्स बॉन्ड बने हुए हो, इधर कैसे? मकान खरीदने आया हूँ फकीर, एक खैरात मांगने आया हूँ, जाहिर है। तो वो फूल क्यों? आज मोहब्बत बांटने वालों का दिन है, मैंने सोचा आप लोग तो बांटेंगे नहीं, मैं ही बांट देता हूँ। सादा हाथ इधर रखना, पहले सादा हाथ तो इधर रख। पहले तू कुछ देगा तो फिर मैं तेरे बारे में कुछ सोचूंगी ना गेले। ये फूल जो दिए, ये फूल से क्या होता, कोई केक पेक दो तो फिर भी बात बनती है। अच्छा अगर केक लाऊं तो खैरात मिलेगी? ये अपन लोग व्यापारी लोग हैं, एक हाथ दे नहीं दूसरे हाथ ले। पका पका पका, कच्चा पका, कच्चा पका, पका पका, समझो। इनसे कुछ निकले भले मेरा नुकसान हो जाए। ए मनुष्य, मेरे मुंह पे बोल रहे, तेरे को शर्म नहीं आती? जा जा ना, ये बता ये तेरी आंखों में क्या मोतिया उतरा हुआ है, किस वक्त उतरा है? खुशबू ली थी मैंने, आई थी ना, जब तो पता चल जाता ना। ठीक है मैं लाता हूँ केक। अगर केक ले आवेगा तो मैं भी 50 रुपए दे के तरखा दूंगी। चलाक बनता है बड़ा मनुसड़ा कहीं का। मैं केक ला रहा हूँ। डॉक्टर की बेटी बन के बैठी है। ए कलसुमड़ी, इस घर में जो भी आएगा 50-50 डिवाइड होएगा, 50 तेरा नहीं 50 मेरा। थैंक्स यू सासुमा, थैंक्स यू। काय को? सासुमा आपने मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम हल कर दिया है। कैसा प्रॉब्लम? सासुमा मेरे और जक्कू के ना माशाल्लाह 5-5 बच्चे, आप ऐसे करें एक दो छोड़े, आप पूरे 5 ही एडॉप्ट कर लीजिए, आपका भी तो कोई फायदा हो ना। ए रशीद काणे की लड़की, मैं तेरे फूलों की बात नहीं कर रही, मैं उन फूलों की बात कर रही हूँ जो तेरे को अभी अभी वसूल हुए। कौन से फूल, कैसे फूल? मैं किसी फूल को नहीं जानती। ये कलसुमड़ी, तूने अगर मेरे को फूल नहीं दिया ना, तेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ सासुमा, फूल तो मैं उसको दूंगी जिससे मेरे को मोहब्बत है,
आपको क्यों दूंगी? ए कलसुमड़ी, अगर फूल तूने मेरे को नहीं दिए, मैं जक्कू तक नहीं पूछने दूंगी। हाँ सासू माँ, आप शायद ये भूल रही है कि सास भी कभी बहू थी, लेकिन ये बात भी याद रखिए कि ये बहू आज भी बहू है। तू भी भूल रही है, मैं भी सुलेमान जैक्सन की ट्रेन की भी बहू हूँ। उसकी माँ ने मेरे को बहुत ट्रेन किया है। ए फुजूल बातें नहीं करो, सुलेमान की माँ ने जो भी ट्रेन किया ना, आज कबर में लेटी हुई है। तेरे को भी मैं कबर में डालूंगी। मामा का बात करती है। ए फुजूल बातें नहीं करो, यहाँ पे तो मेरे रिक्शा में मेरे को रही देकर आए ना, उसका भी मैं इधर मेरी बात सुन। हे आ तो सही ना। ए भाई माँ, मैं ऑटो गया, ऐसा क्या हो गया? तू मेरी बात को गौर से सुन। मेरे को लगता है आपको कोई खजाने का नक्शा मिल गया है क्या? नहीं जक्कू, तेरे को मालूम है तेरे पीछे कलसुमड़ी क्या करती है ने? लेकिन मेरे पीछे तो कुलसुम है ही नहीं माँ। ये चरिया तेरी गैर मौजूदगी में। लेकिन माँ, मैं सारा दिन तो घर में मौजूद हूँ। तू तो घर पे था, पन गेट पर कलसुमड़ी को फकीर तीन फूल देके गया। ए शुक्र है माँ, पहली दफा वो कुछ देकर गया, वरना जब भी देखो मांगने ही आता है। ए चरिया, तू आज का दिन सोच, कलसुमड़ी सोच, फकीर सोच। ए यानी माँ? हाँ हाँ वही, समझ तो गए होंगे आप लोग। माँ देखती जा, आज मोहब्बत करने वालों का दिन है ना, आपका बेटा आज मोहब्बत का खात्मा किससे करता है? जा जक्कू, अपनी जिंदगानी जी ले। ए कलसुमड़ी, इतने वजन पे तू मेरे को हल्का ले रही थी आ रेलियों में। हाँ मैं पूछता हूँ, कहाँ से आई ये फूल तेरे पास? किसने दिए तेरे को ये फूल? और क्या आप कह रहे हैं ये फूल? सासुमाने पिसावे ये शुरू कर दिए। जक्कू, वो मैंने सोचा वैलेंटाइन्स डे है तो फूल तो होनी चाहिए ना। हाँ मगर फकीर ने तेरे को दिए फूल। तो और क्या करती? मैं पूछता हूँ, तेरा ने फकीर का क्या रिश्ता क्या है? वही जो एक दुकानदार का उसके गाह के साथ होते है। जक्कू ये क्या मतलब? मैंने सोचा था जक्कू कि आज के दिन आपको फूल दे के सरप्राइज करूंगी। मैंने तो चॉकलेट भी मंगवा लिए थे। ए वो भी फकीर से? हाँ नहीं। ए मिंजा मोला, ऐसी क्या बात है, अब आपसे मंगवा दी तो सारा सरप्राइज खत्म हो जाता ना। मैंने उसको खुद ही पैसे दिए अपने खीसे से। हाँ नहीं। ए तो फिर हैप्पी वैलेंटाइन डे, लाइए फूल मेरे को दे दे। नहीं जक्कू, अब आप रहने दीजिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, प्रोग्राम कैंसिल। कैसे कैसे कैंसिल? देख तूने मेरी बात सही से समझी नहीं ना। मैं कहता ये एक ऐसा दिन है जो सिर्फ हस्बैंड्स को ने वाइफ को आपस में मनाना चाहिए, तो इसलिए मैं मना रहा था फूल दे। ए जक्कू, मैंने कह दिया ना, अभी वो लोग अपन लोग का त्योहार नहीं मना रहे तो अपन लोग फरंगियों का त्योहार क्यों मनाए? बस खत्म तो खत्म बस। ए भाई छोड़ो ना इसी बातों को, वो तो मैंने खर्चा बचाने के लिए बोल दिया था। मर्द बने मर्द, जब आपने एक बार मना कर दिया तो कर दिया, खत्म। कुलसुम, ए कुलसुम, ए मैं मर्द हुई नहीं भाई, फूल तो दे दे। ए मिंजा मोला, मैं क्या करूँ, खामखा मेरा लॉस हो गया। अभी वो भाईड़ी आएगी, मैं उसको फूल किससे दूंगा? लो आ गई उनकी यार, जक्कू के पापा नहीं आए। तभी ने पुकारा, सल्लू चला आया रे, जान हथेली पे ले आया। ये देवा डांस बंद कर, इतनी देर तेरे को लगी छुकर है आए तो? ये जुबी, मेरे को खबर लग गई, इस बार तेरे को बहुत जबरदस्त इमरजेंसी हो गई लिए, जबी इतनी मीठी मीठी हो गई है मेरे साथ। हाँ ये खरा का है, कोई इधर आना मेरे पास। ए नहीं जुबी नहीं, वहाँ मेरे यहाँ पार्टी चल रही है, मेरे को वापस जाने का है। हाँ बोल। इधर आ, ए डोंट टच मी। चिरोले के पास रह रहे के तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं तेरे को बात बताने चल। ये बहुत गलत कर रही है तू। हाँ देखना, अगर इन दोनों में गलत फैमिली दूर हो गई है ना, अरे तू तो ईमान से बिल्कुल ही खराब हो जाएगी। हाँ इसका सलूशन बताना कलसुमड़ी के एजेंट। क्या जुबी, सलूशन तो मैं तेरे को बता दूँ, पर तेरे को थोड़ा रोकड़ा खर्च करना पड़ेगा। क्या
ए मिर्जा मौला, सुलेमान अब तो मेरे से भी रिश्वत लेगा। ए नहीं नहीं जुब्बी, मेरे को रिश्वत नहीं चाहिएगी। मैं देख बोल रहा हूँ कि तेरे को थोड़ा पैसा है ना, उसकी जो है ना बाईड़ी, उसके ऊपर खर्चा पड़ेगा। हाँ ए मिर्जा मौला, खर्चा वो भी कलसुमड़ी पर, कबाड़िए के माल पे। नो 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 वे। ए जुब्बी, ये तो करना ही पड़ेगा। इससे पहले जग्गू उसकी बाईड़ी को लेके बाहर चला जाए तो घर में पार्टी अरेंज करना। ए सुलेमान, कोई मुफ्त की पार्टी का जुगाड़ भी बता देना। एक जुगाड़ तो है जुब्बी। ए मिर्जा मौला, चुड़ैलों से जुए लेकर इधर सलीम भाई का घर गंदा करते है तू। ए देख जुब्बी, एक जुगाड़ है पर तू मानेगी नहीं। हाँ ये मिर्जा मौला, तू जो मुझे उधर पहुंचाए, तू इधर से निकल ले। पार्टी में चुरेले डिस्को कर रही है, तेरे को याद कर रही है, चल निकल ले। गए हाँ जुब्बी, मतलब निकल गए ना, तो जैसे जानते नहीं। मिर्जा मौला, मैं किधर जाऊं ने? जाता है कि नहीं जाता इधर से? ए जुब्बी, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तेरे को जब कोई प्यार से बुलाएगा, सेठ सुलेमान याद आएगा। गिंदड़ गिंदड़ धा, जूते पकड़ती हूँ मैं। ये मिर्जा मौला, मेरे को तो याद आया, मुफ्त की पार्टी की जुगाड़ से मैंने तो केक बुक कराया। मैं अभी जाके उसका इंतजाम करती हूँ। आप किससे मिलने आई हैं? वही जो यहाँ पर रहते हैं। आपका मतलब है बड़ी दाढ़ी और छोटी सोच वाले बड़े से शूम इंसान? जी जी वही, जिनका बड़ा सा पेट भी है। लेकिन उसने आज के दिन आपको यहाँ क्यों बुलाया? ये लीजिए वेलेंटाइन के फूल। वैसे सच बताऊं, मैं अपनी जिंदगी में आपका इंतजार कब से करे ला, आपको तो पता भी नहीं है। मैं भी आपका इंतजार कर रहा था। और मैं भी। मजे मजे का खाना उड़ाना चाहिए खाना। ए माँ, क्या छुपा रही हो आप? ये छुपा नहीं रही, मंगवा रही ली हूँ। क्या मंगा रही हो माँ? मैंने सोचा तेरे साथ मोहब्बत का इजहार करने के लिए ना मैं केक मंगवा रही हूँ। यम्मी यम्मी केक खाएंगे। लेकिन माँ, लेकिन माँ, मेरे पे एहसान करना, केक के पैसे मेरे से मत मांगना। गेली थोड़ी हूँ, मैंने सोचा अपन लोग सब इकट्ठे रहते तो एक खुशी का इजहार करने के लिए मैं केक मंगवाना चाहती हूँ। माँ आप कितनी प्यारी हो, आप मेरे पैसे कितने बचाती हो। मैं ये खबर अभी के अभी कुलसुम को सुना के आता हूँ। कुलसुमड़ी को बात में सुनाना। मेरी आपसे इफ यू डोंट माइंड एक रिक्वेस्ट है। हुकुम करो माँ, हुकुम। अगर इस महफिल में अगर आप फूल ले आओगे ना तो महफिल का रंग ही बदल जाएगा। माँ वैसे तो हम लोगों की डील हुई थी कि ना मैं आपसे कुछ बोलूंगा और ना ही आप मेरे से रोकड़ा मांगोगी, लेकिन चूंकि आप केक के ऊपर अपना रोकड़ा लगा रहे हो तो फूलों के ऊपर मैं रोकड़ा लगा ही देता हूँ। नहीं नहीं, आप जाइए और कलसुमड़ी से फूल लेकर आइए। हे माँ, आप समझती नहीं हो ना, अभी आप कुलसुम को जानती तो उसको जाके फूल का बोलेंगे, ने खामखा इतनी मिन्नते करेंगे, बातें सुनेंगे, ये वो होगा। इससे अच्छा है कि मैं बाजार से ना फूल ले आता हूँ। चलो मैं अपने छोकरे की मोहब्बत में बाजार के फूल कबूल करूंगी। ठीक है माँ, फिर मैं अपनी जिंदगी जी लेता हूँ। अपनी जिंदगानी जी ले तू। थैंक यू। मिर्जा मौला केक के चक्कर में बिरयानी को अवॉइड कर गया, मैं किधर जाऊंगा? शुक्र है जान बच गई, वरना भी प्रॉफिट में लॉस हो जाता। एक्सक्यूज मी मोहतरमा। जी आप कौन? ए भाई ये मेरा घर है, मैं जकरिया सुलेमान, इस घर का इकलौता मालिक। माशाल्लाह लाल कपड़ों में कितनी प्यारी लग रही हो आप। हैप्पी वैलेंटाइन डे। थैंक यू सर। खुशी के इस मौके पे मैं आपको गुलाब का फूल देना तो चाहता हूँ, मगर क्या करूँ, गुलाब ऐसा शाट हुआ है कि बस क्या बताऊँ। बस आपके इसी मसले के हल के लिए तो हाजिर हूँ। ये वो कैसे? ये ले सर। ए, फूल? ये एक ही आपके पास है या दो तीन और मिल जाएंगे? जी जी क्यों नहीं। ए मिर्जा मौला, थैंक यू, इतना सारा स्टॉक? जी सर, और चाहिए? नहीं नहीं बस इतना ही काफी है।
ओके सर, 19,000। नहीं मुल्ला, 3,000 पूरे डायरेक्ट इसे मांग लिए, सामने वाला आर्ट का पेशेंट भी हो सकता है भाई। वो इसलिए जो चीज मार्केट में नहीं है वो हमारे पास है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, हमारे पास भी बहुत सारे हैं। वाकई? तो और क्या, नहीं सुबह से पता नहीं कौन कौन नाक के मेरे को फूल बेच के गया है, कभी गरूर नहीं किया। होना भी नहीं चाहिए। वैसे एक बात तो बताओ कि एक फूल पे आपका कितना कमीशन बन जाता है? हर फूल पे 100 रुपए। वैसे एक डील बनाते हैं, क्यों ना मैं आपको 3 फूल दूं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए के हिसाब से। इस हिसाब से आपको पूरे 900 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। कैसा? वैसे डील तो बन सकती है, और डील कैश में बन सकती है। हे मिंजमला, बस तो फिर आप ऐसा करो, थोड़ी देर में घूम फिर के आ जाओ, मैं अभी जाके ना फूल लेके आता हूँ। बल्कि मैं क्या कितना हूँ अभी का, इधर दर बदर ख्वार होगी, इधर ही कोने में खड़ी हो जाओ, मैं अंदर जाता हूँ फूल लेके आता हूँ, फिर आपके लाल ड्रेस में, लाल फूल में, लाल बसंती में चलेंगे, आपके जितने भी फूल है ना साथ मिलके बेचेंगे। कैसा? पक्का? पक्का पक्का पक्का। ठीक है, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, बस थोड़ा थोड़ा सा दूर रहना घर से, ऐसा ना हो कि भाईड़ी आ जाए और फंडा हो जावे। ठीक है। कुलसुम जाक, ना मैंने ये सोचा था, ना मैंने ये जाना था, तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम यूं इकरार करोगे, तुम यूं इनकार करोगे, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। जाकू इतने पब्लिक में डांस थोड़ी करते हैं। ए मोहब्बत में पब्लिक क्या चीज है, अपन खुल के बताएंगे अपन एक दूसरे कितना प्यार करते हैं। हैप्पी वैलेंटाइन डे। खाली हाथ? हाँ, मैं आपके लिए फूल लेने निकला था। तो फूल मिले? हाँ मिले, मगर दूसरों के हाथ में। क्या मतलब? मतलब ये के कोई पार्क में, ने कोई रेस्टोरेंट में, कोई सिनेमा में, सब एक दूसरे को फूल दे रहे थे। आप मेरे लिए फूल लाए कि नहीं? ए भाई, मार्केट में फूल की ऐसी शॉर्टेज चल रही है जैसे इंसानियत की शॉर्टेज हो गई है ना, वैसे फूल है ही नहीं मार्केट में। तो हम मेरे लिए चॉकलेट ले आते। चॉकलेट वाली बात बिल्कुल सही की, चॉकलेट आ सकते हैं, पर इसके लिए एक डील करनी पड़ेगी। कैसी डील? वो जो आपके पास फूल है ना, वो आप मेरे को दे दो, फिर मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा। ओके, आप मेरे को सरप्राइज दे दो, मैं आपको फूल दे देती हूँ। पहले फूल, पहले सरप्राइज, पहले फूल, सरप्राइज, फूल, सरप्राइज, फूल, सरप्राइज, फूल, सर, फूल, सर, फूल। ए मंजा मोला, ए जब फूल दे नहीं सकते तो टाचर काय को देते हो? ये ले बेटा चॉकलेट, ले तू भी चॉकलेट, ले तू भी ले बेटा, ये लो चॉकलेट। ये मिंजा मोला, चॉकलेट मिलने के बाद भी ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है, कोई खुशी नहीं हो रही? पापा, ये चॉकलेट मुफ्त में नहीं बट रही है, जरूर आपको कोई काम होगा। शाबाश, तूने गुड्डू ये बात करके ना मेरा दिल एकदम खुश कर दिया। पापा, पहले आप काम बताएं, फिर हम अपना फैसला बताएंगे कि ये काम एक चॉकलेट का या दो चॉकलेट का। क्यों भाई हो? क्यों नहीं? अच्छा, यानी कि आप तुम लोग सब लोग मिलके अपने पापा से ही व्यापार करोगे? पापा, कभी आपने मांगने पर चॉकलेट नहीं दी, आज आप बाहर मांगे दे रहे हैं, लगता है चॉकलेट में कुछ काला है। अरे चॉकलेट में कुछ काला नहीं होता, दाल में कुछ काला होता है बेवकूफ। अरे चुप कर जा, अगर पापा को पता चल गया ना तो ये भी चली जाएगी। शाबाश, आज तुम सारों ने साबित कर दिया कि तुम लोग जकरिया की है सच्ची औलाद हो। चलो भाई चलो, अभी तुम लोगों को मैं अपना प्रॉब्लम सुनाता हूँ। इधर आओ, इधर आओ, समझे? हाँ, अब मेरे प्यारे प्यारे 5 बच्चों ने, तुम लोगों के हाथ में पापा का पैसा बचे कि ना बचे? लेकिन पापा, वो तो ठीक है, लेकिन इस काम की एक एक और चॉकलेट मिलनी चाहिए। क्यों भाइयों? बिल्कुल। अच्छा, क्या ख्याल है कि इस काम की एक चॉकलेट के बजाय एक जूता मिले? काम पे जा रहा है कोई या नहीं जा रहा? चलो चलो चलो, मिशन करो पूरा। मम्मा, आपको ये पता है कि मेरी फ्रेंड ने ना आज अपनी मम्मा को एक गुलाब का फूल ना तोहफे में दिया? तो फिर क्या मम्मा, उसकी मम्मा ने उसको 2 गुलाब के फूल दिए तोहफे में। तो फिर क्या हम मुझे एक गुलाब तोहफे में दे सकती हैं? तो एक काम करना, तू अपने दोस्त से ना एक फूल वापस ले ले, और लेडीज उसके पास बहुत जाती है। चल दफा यहाँ से। मम्मा, आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको एक गुलाब का फूल दूं। अच्छा, ला दे। मेरे पास तो गुलाब है ही नहीं, क्या आप मुझे
एक गुलाब तोहफे में दे सकती है? काय को? मैं आपको तोहफे में दूंगा ना। तो तू ये समझ के मैंने तेरे को गुलाब का फूल दिया और तूने मेरे को वापस कर दिया, ओके? लेकिन आपने तो मुझे दिया ही नहीं। तो चरिया, इसका मकसद क्या है? अगर तूने मेरे को एक गुलाब का फूल देना, मैंने तेरे को देना है, तो ये सब का प्रॉब्लम क्या है? चल निकल यहाँ से, मेरा दिमाग ना खराब कर, खामा का कंफ्यूजन कर देते हो। ए मिंजा मोला, ये होती है दिन की बरकत। बंदा ना चाहते हुए भी वैलेंटाइन मना ही लेता है। अभी भाईडी के साथ वैलेंटाइन मनाया तो क्या मनाया? ये जो आजकल की नवी नवी स्कीमें निकली है ना, अल्लाह इनका भला करे। इस चक्कर में कैसी प्यारी प्यारी लड़कियां काम पे निकल गई। अभी देखो, लाल कपड़े पहन के लाल फूल भेजने निकल गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तुम्हें बहुत प्यारा लग रहा हूँ। काश कोई ऐसा मौका आ जावे कि मैं लड़की के साथ डांस कर लूं। अच्छा हुआ मैं होश में आ गया, वरना बात आगे बढ़ जाती। जक्कू, मेरे को शायद सरप्राइज देने के मामले में सीरियस है यार। प्रेम कहानी, कहीं सासू माँ हमारी ये प्लानिंग्स खराब ना कर दे बीच में आके। ना कर मनमानी। पांच आदमी, ए तुम लोग पांच आदमी ने वो एक, फिर भी खाली हाथ वापस आ गए, ऐसे कैसे? पापा प्लीज, अब आप चॉकलेट वापस मत मांगिएगा। मैं समझ गया हूँ बेटा, मैं समझ गया हूँ। आज मेरे को नसीहत हो गई कि कभी भी काम पूरा होने से पहले फुल एंड फाइनल पेमेंट कभी नहीं करो। देखो आज मेरा लॉस हो गया ना। खैर, अब मैं ये सोच रहा हूँ मैं पार्टी को क्या मुँह दिखाऊंगा। पापा यही मुंह दिखाना पड़ेगा, इस प्लास्टिक सर्जरी में ज्यादा खर्चा हो जाएगा। इधर आइएगा, सामने खड़े हो जाएं, इधर को देखें। बदतमीज, चलो जाओ, चलो ऊपर भागो। ये निकम्मी औलाद, काम चोर, एक छोटा सा काम बोला ने वो काम नहीं हो सकता। मैं क्या करूं? अभी बाहर वो भाईड़ी मेरा इंतजार कर रही होगी और मैं इधर पागल हुआ हूँ। किसे फूल लूं, ने मेरा लॉस हो जाएगा नहीं तो। अल्लाह के नाम पे बाबा, अल्लाह के नाम पे बाबा, अल्लाह के नाम पे बाबा। हाँ? हमें तो 10 रुपए नहीं देता। आज के दिन के लिए इसने लड़की बुलाई है घर पे, मनहूस कहीं का। एक्सक्यूज मी खातून जी, आप किससे मिलने आई हैं? वही जो यहाँ पर रहते हैं। आपका मतलब है बड़ी दाढ़ी और छोटी सोच वाले बड़े से शूम इंसान? जी जी वही, जिनका बड़ा सा पेट भी है। लेकिन उसने आज के दिन आपको यहाँ क्यों बुलाया? वो फूल देंगे ना मुझे। तुम्हें फूल देंगे? तुम कहीं उनकी समझ तो गई होंगी। नहीं नहीं, आप ठीक नहीं समझ रहे हैं। उनके पास 3 फूल है, वो मुझे सस्ते में बेचने के लिए दे रहे हैं। 3 फूल? अरे शूम का बच्चा हमारे दिए हुए तोहफे सस्ते में बेचेगा? अब इसके साथ शारजा वाला खेल खेलना पड़ेगा फाइनल। बस आप 2 मिनट इधर आइए, मैं जरा खैरात मांग रहा हूँ। आइए बैठिए। ए मिंजा मुला, आज तो वक्त थमने का नाम ही नहीं ले रहा, ये अच्छा वक्त कैसे आता है? मुला, ये काय को इतना तैयार हो गई? जैकू डार्लिंग, आप मेरे को सरप्राइज देने वाले थे ना, क्या बना उसका? बस उसी की जुगाड़ में लगे हुए हैं। वैसे आप इतना काय को तैयार हुई हैं? उसी मकसद के लिए जिस मकसद के लिए आप तैयार हुए हैं।
मैं तो बस ऐसे ही तैयार हो गया, हाँ, कोई खास बात नहीं है। जकू, I'm sorry इज़ा, मेरे को पता नहीं था कि आप मेरे को सरप्राइज देने वाले हैं। मेरे को खुद भी पता नहीं था। इसीलिए हैप्पी वैलेंटाइन डे। थैंक यू कुलसुम, थैंक यू, थैंक यू। ये एसी क्या हुआ है? दिन अल्लाह के नाम पे फकीर को आई लव यू कह दो बाबा, आज के दिन फकीर को आई लव यू कह दो बाबा अल्लाह के नाम पे। मिंजा मौला, कयामत ढा रही हो आप तो। आज के दिन तो कम से कम आराम कर लेता ताकि मेरे मुख के दिए हुए फूल तू सस्ते में बेच ना फिरे। चल पीछे हट। अरे आप आ गए, मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी। इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। ये लीजिए वेलेंटाइन के फूल। वैसे सच बताऊं, मैं अपनी जिंदगी में आपका इंतजार कब से करे लाऊं आपको तो पता भी नहीं है। मैं भी आपका इंतजार कर रहा था। और मैं भी। क्या रही है? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही फूल दे रहा था। भाभी, ये मासूम लड़की को इधर बुला के फूल दे रहा था। ए कुलसुम, ये एक नंबर का झूठा है, इसकी बात का यकीन नहीं करना। मेरी बात का भले यकीन ना करो, फूलों का तो यकीन करो। ये फूल तो मैंने लड़की को बेचने के वास्ते दिए हैं। पूछते भले क्यों लड़की, मेरे फूल, तेरी वजह से मेरे पूरे 2000 रुपए का लॉस हो गया। मासूम लड़कियों की जिंदगी से खेलने वाले बेशरम। भाभी इधर बुला के ना, जो उनकी जिंदगी के साथ खेलता है तू। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम यकीन करो, मैं तो व्यापार कर रहा था। पहले मारती है, फिर टकोरे करती है, दोनों तरफ तकलीफें देती है। इतनी बड़ी गलती नहीं थी जितनी सजा मिल गई। मैं अपने तमाम भाइयों को एक मशवरा देना चाहूँगा, बिल्कुल फोकट में। अलग है, जकरिया कभी फोकट में कुछ देता नहीं है। ए भाइयों, जब भी वेलेंटाइन मनाओ ना तो अपनी सगी भाईड़ी के साथ मनाना, नहीं तो भाइयों पिटाई भी बहुत लगती है, नहीं लॉस भी होता है। अरे कुलसुम, अरे तेरा हाथ बहुत भारी है कुलसुम। जकरिया कुलसुम की लव स्टोरी।